आज तो लागू हो जाएगी पावर्स तो पंजाब में सरकारी दफ्तर दे खुलन आते बंद होने का समा बदल गया है। उन सारे सरकारी दफ्तर सवेरे 8 बजे खुलन के आते दोपहर 2 बजे बंद होंगे। हालांकि ये व्यवस्था चंडीगढ़ के दफ्तर से लागू नहीं होगी। 1 अगस्त तो पंजाब की तस्वीर बदल जाएगी। सरकारी दफ्तर में दोपहर बाद नहीं होगा काम। सरकारी मुलाजमान को नहीं मिलेगा दोपहर का खाना खाने का समा। सरकारी दफ्तर बोर्ड अते निगमा विच नहीं चलनगे एसी। ए झटका घट बिजली ने दिता है। जी हाँ, ए सब कुछ होने वाला है पंजाब में, पर ए सब असी नहीं कह रहे, सगो ए ता सूबा सरकार वालों जारी किया गया फरमान है। ए फरमान जारी किया गया बिजली की घाट से काबू पाने की कोशिश के तहत। असल विच बीते कई दिनों तो सूबे विच बिजली की मद मंग अते घट सप्लाई अते उत्पादन के नाल हर कोई परेशान सी, भावे वह सूबे के आम लोग हों जां सनअतकार जां फिर सरकार। तो सूबा सरकार ने एक अहम फैसला लेंद्या सूबे विच दफ्तरां दा समा सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक कर दिता है। ना ही इस दौरान कोई लंच ब्रेक नहीं होगा। इस नाल सरकारी दफ्तरां बोर्ड अते निगमां दे दफ्तरां विच एसी दा इस्तेमाल भी नहीं होगा। सरकारी फरमान दे मुताबिक इस नवी व्यवस्था नूं 1 अगस्त तो अमल विच लिया जाएगा। सरकार वालों प्रशासनिक अफसरां नूं इस गल नूं यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई है कि दफ्तरी काम दे समय दौरान बिजली की दुर्वरतों हर हिले रोकी जाए। ये सारिया हिदायतां डिविजनल कमिश्नर डीसी अते एसएसपी दे कैंप दफ्तर दे नाल नाल नगर निगमां दे दफ्तरां ते भी लागू होणगीआं। न्यूज़ रिपोर्ट सी खबरां। बिजली की कमी हर राज्य देखने को मिल रही है। बीते दिन ब्लैकआउट